हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। 3 नंबर के कान्हा जी की चोली है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई तरह से। अब यहीं से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन के हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, ये हमारे 2 हो गई एक चैन के अंदर। अब आगे वाली में हम एक ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, आगे वाली में एक चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, 2 हो गए। फिर से आगे वाली में 1 और ये 2, इस तरह से सभी डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहीं पे आप 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन की हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में हम 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 बनाएंगे एक ही चैन के अंदर 2, फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1, आगे वाली में 1 चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। फिर 1, आगे वाली में 1 बनाएंगे, आगे वाली में 1 चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे। अब हम तीसरी में 2 बार बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। मैं 1 राउंड और बना लिया था, मैं यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहीं से दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से तीन 2 चैन बनाएंगे, ये मेरी हाफ क्रोशिया के बराबर हो जाएगी। अब आगे वाली चैन में हम 1/2 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली में 1/2 क्रोशिया, ये 1/2 क्रोशिया हो गई। हाँ, क्रोशिया इसी में हम 1 बार और बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 1/2 क्रोशिया हो गई। इसी में हम 1 बार और 1/2 क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड 1/2 क्रोशिया से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 2 चैन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से, इसे टाइट कर लेंगे। इसी में हम 1 बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 चैन, 3 चैन की हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। हमारी टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में हम 1 बनाएंगे, 3 4, और ये हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 चैन, 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3, चौथी वाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से 2 4 चैन, 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3, चौथी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन चार 1/2 क्रोशिया, और ये हमारी 5 डबल क्रोशिया।
चार चैन बनाएंगे, फिर नीचे तीन चैन छोड़ेंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर एक दो तीन चैन बची हैं। आपकी ज़्यादा कम हुए तो एडजस्ट कर लें। और यहाँ पर चार चैन बनाएंगे। चार चैन बनाने के बाद यहाँ पर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर अब हम आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाते हुए चैन की तरफ हम जाएंगे इस तरह से। यहाँ अब यहाँ पर चैन के अंदर भी स्लिप स्टिच से बनाएंगे तीन चैन। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर दो तीन चार पांच एक दो चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच। और यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें दो इधर छोड़ेंगे दो इधर। तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ चैन के अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे दो तीन, दो डबल क्रोशिया तीन चार और एक पांच डबल क्रोशिया दो चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार और ये हमारी पांच डबल क्रोशिया हो गई। तीसरी डबल क्रोशिया इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पर चैन के अंदर पांच डबल क्रोशिया दो चैन पांच डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए घेरा के में। यहाँ पे मैंने पांच डबल क्रोशिया बना ली दो चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पर तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और यहाँ पर तीसरी वाली चैन के अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से डिजाइन बन के आया है हमारा कुछ। अब यहाँ पे थ्री की चैन में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो तीन चार पांच। अब यहाँ पर दो चैन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो सिंगल क्रोशिया हो गए एक चैन। फिर से हम एक दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया तीन चार और ये हमारी पांच, पांच डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने पांच सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर पहली सिंगल क्रोशिया पहली डबल क्रोशिया है, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चार और ये पांच। अब यहाँ पर दो चैन बनाई थी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो सिंगल क्रोशिया एक चैन। फिर से इसी चैन के अंदर दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से चार और ये पांच। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ रहा है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और मैंने पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच सिंगल क्रोशिया बना ली। दो चैन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ये दो।
एक चैन, फिर से इसी के अंदर हम एक दो सिंगल क्रोशिया, फिर से हम पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन ये चार पांच, पांच सिंगल क्रोशिया हो गए। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई। मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। ये मैंने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है।